been 2 weeks since I uploaded last, or 2.5, I guess. The reason being, I was at home sleeping. Some of it is true, but for a week I got this one property shoot to do, so I was busy there. Not for a week, but 4 days, I guess. The forecast said that it's gonna rain again, as a hoani badal the. It did drizzle a bit, but now. 4 बज रहे हैं शायद से, और मैंने सोचा थोड़ा बाहर चलते हैं, कुछ फोटोज़ खींचेंगे. एंड मेरे लेफ्ट साइड पे देयर इज दिस वॉलनट ट्री दैट स्टिल हैज गोइंग ऑटम कलर्स. इट्स गोइंग आउट नवंबर नाउ. आज 24 तारीख है आज. और जो ऑटम के कलर्स है फिर अभी तक काफ़ी इंटैक्ट है, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ में है जाते जाते. तो प्लान तो यही था कि थोड़े क्लोजर्स वगैरह लेंगे पत्तियों के. ठीक है, उसी प्लान के साथ बढ़ते आगे की ओर. चलो, पीछे यहाँ पे मैं खेत को क्रॉस कर रहा था तो एक सेब का पेड़ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिच येलो वार्म ऑरेंज से पत्ते थे नीचे गिरे हुए ग्राउंड में, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंडिड फॉर्म में. सो आई वाज जस्ट टेकिंग सम क्लोजअप्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे ऑफ दोज क्लोजअप्स ऑफ दोज बेनलेट्स. प्रॉब्लम ये है कि जो ये पेड़ जिस जगह पे है, जिस सेटिंग में है, इट डोंट क्वाइट मेक अप फॉर यू नो स्टैंड अलोन शॉट ऑफ द ट्री, कुछ वैसा काफ़ी बोरिंग सा लगता है. तो इसीलिए आई एम ट्राइंग वेरी क्लोजअप्स. खैर, ये छोड़ते हुए कहीं आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते क्या मिलता है इंटरेस्टिंग सा. अभी रोड से थोड़ा ऑफ रोड होके हम नीचे खड़ की ओर आ गए. सोचा कि जो हमारा थोड़ा ओवरकास्ट है, तो इस ओवरकास्ट का फ़ायदा ऐसे लिया जाए कि थोड़ा लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह कुछ करते हैं. यहाँ नदी के किनारे पे कुछ पेड़ है जिनमें थोड़ा बहुत कलर दिख रहा है अच्छा सा. अभी ट्राई करेंगे उसी के साथ कुछ थोड़ा नज़दीक जाके क्लोजअप्स, दूर से भी ट्राई कर सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं अगर करेंगे तो. वैसे जो ये वाला टाइम है 4 बजे के बाद यहाँ पे खड़ में स्पेशली इधर पे, इस टाइम पे जो पाइड किंग फिशर होते हैं वो मछलियाँ पकड़ने आते हैं, तो साली रिवर क्रॉसिंग आ गई. कर लेगा छलांग, मार लेगा. रिवर बेड पे थोड़ा काफी घूमने के बाद आई अल्टीमेटली सैट ऑन दिस कॉम्पोजिशन. Like as you can see on a screen, तो यहाँ पे हमारे पास है अपना ऑटम वाला पेड़ है, और मैंने लोअर थर्ड पे ये पत्थर रखे हैं, और जो मेरी ये सेटिंग्स रहेंगी, आई एम गोना ट्राई टू मेक इट द वाटर मिल्की स्मूथ, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 सेकेंड के अराउंड मेरी सेटिंग होगी. सो आई विल फायर अ टेस्ट शॉट एंड यू विल सी इट ऑन योर स्क्रीन गाइस.
तो फोटो जो अभी आपने अपने स्क्रीन पे देखी, दैट्स एक्चुअली ए फोकस स्टैक। दो शॉट्स लिए मैंने, जिसमें एक में पेड़ पे फोकस किया था और दूसरे में पत्थर पे था। एज यू कैन सी आई एम ऑल्सो शूटिंग विद द किट लेंस, द 18-55, दैट इज द नॉट द ओनली लेंस बट या ओनली वाइड एंगल दैट आई हैव एज ऑफ नाउ। तो इससे जो फोटो की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार आती है, लेकिन वो शार्प नहीं होती है। और एब्रेशन जो क्रोमेटिक एब्रेशन होती है बहुत ज़्यादा है इसमें, जो पेड़ है पेड़ के एजेस पे बहुत ज़्यादा है। और आई एम ट्राई टू फाइंड समथिंग मोर, लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू दैट। यस आई एम डूइंग दैट। अब एक कहेगा लैंडस्केप फोटोग्राफी से अच्छा तो अगर मैंने टेलीफोटो लेंस लिया होता, बिकॉज आई जस्ट विटनेस अ पाइट किंग फिशर डाइव इन द वाटर और अपने मुंह में से दो मछलियाँ निकाली और एकदम उड़ गया, गायब हो गया, जस्ट वैनिश्ड। एंड आई एम बैक एट द रोड। I just switched back to 50mm क्योंकि f1.8 थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो f1.8 और दूसरा इमेजेस आ जाती है 18-55 से तो शार्प भी आती है, और क्योंकि क्लोजअप्स के लिए थोड़ा सही होता है। जब भी ओवरकास्ट होता है आई थिंक दीज आर द मोस्ट बोरिंग कंडीशंस। हाँ, लेकिन अगर बादल काफ़ी ज़्यादा फ्लफी टाइप है, मोटे है, rather than just flat, तो pictures can be moody, लेकिन otherwise it's yeah. I found this interesting composition. इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोड ऐसे को कर्व हो रही है, सड़क ऐसे को कर्व हो रही है, मतलब दोनों S बना रहे हैं, टूटा हुआ काफी अच्छा है। हाँ, चलो आगे की ओर। अरे काहे का ब्रैकेटिंग भैया, मैं सोचा थोड़े क्लोजअप्स ले लेते हैं, यू नो आफ्टर ऑल अच्छे लगते हैं दिखने में। एक यहाँ का ऑटम एंड देन आई सी videos from this photographer's in आपका इंग्लैंड हो गया, कैनेडा हो गया, मतलब इंडिया को छोड़ के कहीं पे भी, इंडिया नहीं वैसे इस जगह को छोड़ के कहीं पे भी, इंडिया में भी सबके पास लाइक इतना रिच ऑटम कलर्स होते हैं अराउंड ऑटम सीजन। ऑब्वियसली यहाँ पे बस गिने चुने बसड़े ही हैं। चलो क्लोजअप लेते रहते, घर की ओर चलते हैं, घर पर बैठ के चाय पीने बैठ वाली। हाँ नहीं, आई एम बैक होम। तो ये था हमारा आज का छोटा सा फोटो सेशन, जैसे कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, लेकिन वो मैटर नहीं करता कि प्रोडक्टिव इतना ज़्यादा मैटर करता है कि आपने अपने अपनी तशरीफ़ को अपने बिस्तर के कंफर्ट जोन से उठाया और बाहर लिया, इसकी मान्यता बहुत है। कल दोबारा करेंगे ट्राई, अगर घर पे कोई काम नहीं हो क्या ये परे चाचू पे। दीज आर द एल्सेशंस। ओरे 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 ओए होए होए, तुम्हारे नाम क्या है? टॉमी टाइगर जो नॉट फॉर अ वीक बट 4 डेज आई गेस। एंड नाउ